Okay, so next practice time. This is a number grid. Fill in the empty boxes by adding the two numbers in that row and column. Some have been done for you. अभी ये number grid दिया हुआ है, इसमें numbers row में दिए हुए हैं और columns में दिए हुए हैं. So ये number और ये column और row को देखकर हमें column का एक number, रो का एक नंबर, इस तरह से हमें ऐड करते चलना है. और कुछ एग्जांपल आपको यहाँ दिखाए गए हैं. सी हेयर, अभी यहाँ पर इसको कॉलम बोलेंगे और इसको रो बोलेंगे. अभी यहाँ पर क्या दिया है, थ्री. ये रो में क्या दिया हुआ है, नंबर थ्री है. और ये कॉलम में क्या दिया हुआ है, नंबर फोर है, सॉरी नंबर वन है. तो ये थ्री का और वन का एडिशन करके उसने क्या किया है, ऐसा ये यहाँ पर फोर लिखा है. ओके, उसी तरह यहाँ पर फोर किस तरह आया, ये रो का टू नंबर लिया और ये कॉलम का टू नंबर, टू और टू फोर, इस तरह से. ये रो का वन नंबर और कॉलम का फोर नंबर, फोर और वन फाइव, इस तरह से लिया हुआ है. ओके, सी हियर और एग्जांपल्स है. यहाँ रो का फोर नंबर और कॉलम का फाइव नंबर. फोर और फाइव का एडिशन कितना होता है, नाइन. तो इस तरह नाइन. ओके, यहाँ पर सिक्स है कॉलम में और यहाँ पर सिक्स है रो, रो में सिक्स है, कॉलम में सिक्स है. सो दोनों का एडिशन किया, सिक्स और सिक्स ट्वेल्व होता है. इसी तरह हमें ये नंबर ग्रिड को कंप्लीट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. रो का वन नंबर, कॉलम का वन नंबर, कितना होगा, वन और वन टू हो जाएगा. ओके, देन रो का टू नंबर और कॉलम का वन नंबर, टू और वन थ्री हो जाएगा. ये फोर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके आगे का देखते हैं. रो का फोर नंबर, कॉलम का वन नंबर, कितना हो जाएगा, फाइव. यहाँ फाइव है रो में, यहाँ कॉलम में वन है, फाइव और वन सिक्स. पहले हम ये पूरी वन रो कंप्लीट करेंगे. ओके, इसी तरह नेक्स्ट रो, उसके नेक्स्ट, ऐसा करते करते हमें पूरा यहाँ तक जाना है, लास्ट तक. फिर रो का सिक्स, कॉलम का वन सेवन, देन रो का सेवन नंबर, कॉलम का वन नंबर एट, रो का एट नंबर, कॉलम का वन नंबर नाइन. ये इसका और इसका एडिशन करना है. ओके, नाइन नंबर रो का और कॉलम का वन नंबर टेन, देन ये टेन नंबर और वन नंबर एलेवन. ओके, समझ में आया. अभी नेक्स्ट देखते हैं. कॉलम रो का वन नंबर, अभी कॉलम का टू नंबर लेंगे. ओके, वन और टू थ्री, फोर दिया हुआ है. रो का थ्री नंबर लेंगे, कॉलम का टू नंबर, कितना होगा, फाइव. रो का फोर नंबर, कॉलम का टू नंबर, फोर और टू सिक्स होता है. रो का फाइव नंबर, कॉलम का टू नंबर, कितना होता है, सेवन. रो का सिक्स नंबर, कॉलम का टू नंबर, कितना होगा, एट. रो का सेवन नंबर, कॉलम का टू नंबर, नंबर टू, सेवन एट नाइन. रो में एट नंबर है, कॉलम में टू नंबर है. एट और टू को ऐड करो, टेन होता है. ये नाइन नंबर, ये टू नंबर एलेवन, ये टेन नंबर, ये टू नंबर ट्वेल्व. समझ में आया. इसी तरह आपको यहाँ तक क्या करना है, ये नंबर ग्रिड को कंप्लीट करना है. नेक्स्ट देखते हैं. हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है वो दिया हुआ है शॉर्ट में. आई कैन ऐड नंबर्स इन एनी ऑर्डर, द सम रिमेन्स द सेम. हम जब कोई भी नंबर्स की ऑर्डर चेंज करते हैं, इधर उधर उसको लिखते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट रहेगा वो सेम ही रहेगा. जैसे कि यहाँ पर सिक्स प्लस सेवन है तो क्या आता है, थर्टीन होता है इसका एडिशन. इजी कस्ट, अगर सेवन प्लस सिक्स भी लिखे तो थर्टीन ही आएगा. क्यों, क्योंकि उसके नंबर्स के ऑर्डर चेंज होने से उसका सम क्या होगा, चेंज नहीं होगा.
Next, a number does not change if I add 0 to it. For example, 12 plus 0 is equals to 12. कोई भी नंबर में अगर 0 को ऐड किया जाए तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा. जैसे कि 12 में 0 को ऐड किया तो 12 एज इट इज़ रहा. When adding three numbers, I can add any two numbers first. अगर कोई थ्री नंबर का एडिशन है तो उसमें पहले टू नंबर का एडिशन कर लेना है, देन वो टू नंबर का जो सम आएगा उसको थर्ड नंबर में ऐड करके उसका सम निकालना है. ओके. When adding two digit numbers, I first add the ones and ten the tens and then the tens. अब टू नंबर की एडिशन है, थ्री नंबर की एडिशन में तो हम समझ गए. अब समझो यहाँ पर 23 है, 24 है, 25 है. अब ये थ्री नंबर की एडिशन है, सो फर्स्ट क्या करेंगे, पहले ये टू नंबर का एडिशन करेंगे, देन इसका जो भी सम आएगा तो ये थर्ड नंबर में उसको ऐड करेंगे. लेकिन अगर टू ही नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सिर्फ 23 और 24 ही है, तो क्या करेंगे, पहले वंस का एडिशन करेंगे और देन टेंस का एडिशन करेंगे. ओके. नेक्स्ट, व्हेन आई गेट अ 10 और मोर ऑन एडिंग वंस, आई रीग्रुप एंड कैरी ओवर टू द टेंस प्लेस. अगर कोई नंबर का एडिशन कर रहे हो और उसका सम क्या आ रहा है, 10 आ रहा है या 10 से भी ज़्यादा कोई डिजिट आ रहा है, तो रीग्रुप करेंगे, कैरी ओवर लेंगे. ओके. कॉन्टीन्यूस इवेल्यूएशन, कॉन्टीन्यूस इवेल्यूएशन में देखेंगे. अभी यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, देखते हैं. 47 प्लस 0, अभी हमने प्रीवियस पेज पर देखा है 40 प्लस, अगर कोई डिजिट में 0 ऐड करते हैं तो वो एज इट इज़ रहता है. सो यहाँ पर देखेंगे 47 है क्या, यस. सो हम इसको इससे मैच कर लेंगे. 9 प्लस 9 का एडिशन कितना होता है, 18 होता है. 12 प्लस 5 है यहाँ पर, और यहाँ दिया 12 प्लस 55 है, और यहाँ दिया 55 प्लस 12. यहाँ पर सी है कि यहाँ पर ऑर्डर चेंज है नंबर्स की, यहाँ पहले 12 है, यहाँ बाद में 55 है, बट यहाँ पहले 55 है और यहाँ बाद में 12 है. ऑर्डर चेंज हुई बट इसका सम जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा. सो हम इसको मैच कर लेंगे. 6 टेंस एंड 4 वंस, यहाँ टेंस की प्लेस पर 6 है, 4 वंस की प्लेस पर है, तो ये इससे मैच हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऐड बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 10. अभी यहाँ पर जो डॉट्स आपको रेड और ग्रीन दिखाए हैं, पहले हमको उसका क्या करना है, 10 का ग्रुप बनाना है, फिर ही एडिशन करना है. सो हम पहले काउंट कर लेंगे डॉट्स को और 10 का ग्रुप बनाएंगे. पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक आया है, यहाँ तक 10 का ग्रुप आया है. तो हम उसको ग्रुप बनाने के लिए इस तरह से बॉक्स में उसको रख लेंगे. तो ये 10, ओके. सो 10 का हम क्या करते हैं, और टेंस में 1 लिखते हैं. सो हम यहाँ टेंस के प्लेस पर 1 लिखेंगे, और 1 की वंस में कितने बचे, 1 2 बचे. सो 2 वंस की प्लेस पर लिखेंगे. सो इस तरह से 5 प्लस 7 कितना हुआ, 12. इस तरह से ये आप ट्राई करके देखो 10 का ग्रुप बनाकर. ओके. नेक्स्ट, ऐड यूजिंग द नंबर लाइन, एडिशन करना है नंबर लाइन का यूज़ करता हुआ. यहाँ एडिशन है 55 प्लस 7. अभी हमको क्या करना है, यहाँ 55 दिया है ना, तो 55 पर पहले हमें फिंगर रखनी होगी, और 55 से 7 नंबर आगे फॉरवर्ड हमें जाना होगा. 1 2 1 2 3 4 5 6 7, कितना नंबर आगे गए हम, 7. कहाँ पर पहुँचे, 62 पर. मीन्स आंसर जो सम आएगा वो क्या आएगा, 62. आप नंबर लाइन से भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. आप 55 में 7 ऐड करोगे ना तो 62 ही आंसर आएगा. नेक्स्ट देखते हैं 61 पर फिंगर रख लेते हैं. ओके. 61 में कितना ऐड करना है, 61 में हमें 6 नंबर आगे फॉरवर्ड जंप करना है. ओके. सो 61
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कहाँ पहुँचे हम? 67 पे। तो आंसर इज 67। समझ में आया? सो ये आप करो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, एड द फॉलोइंग। अभी इसका एडिशन करना है। पहले वन से एडिशन करते, थ्री में एट को, थ्री में नाइन का एडिशन करना है। सो कितना होगा? 12। 12 का हम 2 लिख लेंगे और ये 1 कैरी ओवर करेंगे टेंस में, 1 और ये 2, सम इज 22। इसको भी इस तरह कर लेंगे, 1 और 8 का एडिशन 9 होता है, सो 9 लिख लिया। 7 और 1 8 होता है, सो 8 लिख लिया, सम इज 89। ये आपने करना है। नेक्स्ट देखते हैं, लतिका हैज़ 32 पेंसिल्स। लतिका के पास 32 पेंसिल्स हैं। विजय हैज़ 45 पेंसिल, और विजय के पास 45 पेंसिल्स हैं। हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे हैव ऑल टूगेदर, टोटल मिलाकर दोनों के पास कितने पेंसिल्स हैं वो हमें देखना है। सो क्या करेंगे, लतिका के हम क्या करेंगे, पेंसिल्स लिख लेंगे 32। ये लतिका की है। अभी विजय के कितने देखेंगे, 45। एडिशन कर लेंगे इसका, 2 में 5 का एडिशन करना है, 7 होता है, देन 3 में 4 का एडिशन अगेन 7 होता है, सो 77 पेंसिल्स उनके पास, मिलाकर दोनों के पास 77 पेंसिल्स थी। दे हैव 77 पेंसिल्स ऑल टुगेदर। ओके,